तो चैनल गाइस कैसे हो आप सभी का स्वागत है। और एक वीडियो में जस्ट उठाओ मैं सो के और ऑफिस में निकलना है। अभी कुछ मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में ये ख़त्म करके नहा पी के नहाना 5 मिनट पॉसिबल नहीं है, बट ये जो चाबी चल रहा है वो 5 मिनट में ख़त्म करके मुझे ओवरऑल कुछ 10:15 बजे तक उठाना पहुँचना है। आई डोंट नो किससे क्या समझने वाला बटिया। ब्लॉग अपलोड के लिए डाल दिया मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन रखता हूँ और मैं जाता हूँ नहाने के लिए। अभी भी पहले ही लेट हुआ है मुझे उठने में, तो और लेट नहीं करेंगे अपन, नहीं तो ऑफिस से कॉल आ जाएगा और फिर अगर मुंबा हम बोलते हैं तो फटाफट निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी है, माइक और माइक का एक कनेक्टर, फिर उसके बाद एक मोबाइल का कनेक्टर। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक्चुअली पहले जो ये माइक था वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ये लेना पड़ा। ये लेने के बाद फिर भी वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे एक और एक केबल लेनी पड़ी जो इसको सपोर्टेबल है और मोबाइल को कनेक्ट हो सकती है वो, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें ले चुका हूँ मैं, ये प्रदीप भाई की तरफ से आया है, तो अभी इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो अनबॉक्सिंग देखी होगी यार आप लोगों ने, फिर भी अपन 1 हैंडेड अनबॉक्सिंग करते हैं। एक हाथ में मोबाइल है, एक्चुअली वो ट्राइपॉड से पकड़ा है। तो ये है हमारा प्यारा सा, अरे निकल, ये हमारा प्यारा सा माइक, ठीक है। तो ये वो केबल है जो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से ये सपोर्टेबल नहीं है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके जगह ये केबल आई है, तो ये चेक करते हैं। तो अभी देखो ये माइक है अपना नॉर्मल, ठीक है। ये अपन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते, अगर सही पर होता हो शायद यही पे ना, डर है। हाँ यही पे होता, तभी वो मूव नहीं कर रहा। और ये इसको इसके अंदर क्या है, क्या है वो तो मेरे को पता है, मैं फिर भी क्यों पूछ रहा हूँ। सो इंदूसी केबल, साला ये इंदूसी केबल दिखती है बट है बहुत महंगी है, ठीक है। तो इसको भी अपन फुटे हुए तो नहीं है ना, नहीं चेक करके ऐसे दिया, ऐसा लग रहा है फील हो रहा है ऐसा। हाँ इसके अंदर ये केबल डाल देते हैं, वन वर्ल्ड एक। ये हो गया पैक, इसे भी हम करते हैं पैक क्योंकि इसके भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक तो ऑफ यूज़ होगा आपके ब्लॉक के लिए पूरा। तो यार ये ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे कुछ, तो ये हो गया डन। अभी बाकी है ये केबल, ये केबल को भी मैंने कल चेक किया था, चेक इन द सेंस मैंने ये निकाला था, ये भी निकालते हैं। कनेक्टर बहुत महंगा हो गया, 900 रुपये का कनेक्टर मिल गया मुझे बाबा। ऑफलाइन गया मैंने, ऑनलाइन भी सेम था, सेम था। सो आई डिसाइडेड कि परचेस कर दे जैसा था मैं। सो एज यूजुअल ये जो माइक है ये यहाँ पे जाएगा। देखो अभी एक दिक्कत में आपको दिक्कत होगी, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, देखो ये छोटा सा पार्ट, ये फोकस कर, फोकस कर, फोकस कर, वो सो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो पोजिशन बैठना चाहिए ढंग से, तो हमें कट करना पड़ेगा। ओके सो ये इतना सा गैप रहता है, लेट्स चेक। सो अपन जो भी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये वाले माइक से आ रहा है शायद साउंड, और डोंट नो। सब टेस्ट कर लिया मैंने, मेरे को एग्जैक्ट इशू नहीं मिल रहा है कि किस में है,
तो अभी जो माइक है वो भी रिप्लेस होगा या फिर वो रिटर्न हो जाएगा, अपन नए माइक परचेस कर लेंगे। गलत अपन फिर नहीं तो वो केबल भी कल जा रहा है रिटर्न, तो केबल भी नया आएगा तो बेटर रहेगा, वो भी टेस्ट कर लेंगे। सो अभी ये दोनों चीज़ें इसलिए जा रही है रिटर्न, क्योंकि देखो अगर जो आईफोन का कनेक्टर है उसमें प्रॉब्लम होता तो मेरे बहन का जो मोबाइल है उसमें तो माइक एटलीस्ट चलना चाहिए था, बट उसमें भी वो नहीं चला। सो दैट्स वाई मेरे को लग रहा है कि कुछ तो लफड़ा है माइक में। सो माइक अभी रिटर्न जा रहा है, और TRS-TTRS वाला जो केबल है उसमें भी पंगा हो सकता है, तो इसलिए वो भी रिटर्न जा रहा है। सो अभी कल का मैंने ये किया, और आई होप यार कुछ पंगा नहीं होना चाहिए रिटर्न करते वक्त, क्योंकि अगर हो गया तो लग जाएंगे भाई। क्योंकि ये जो माइक है वो पुणे से आया और मैं अभी मुंबई से उसे रिटर्न कर रहा हूँ, सो उसमें मैं भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, अभी पता नहीं मुझे क्या सीन होना, बट लेट्स सी। एंड मेरे को बिल नहीं मिल रहा है माइक का, और मेरे को याद भी नहीं है कि माइक के साथ बिल आया था कि नहीं, एंड कन्फ्यूज। माइक के साथ कुछ कागज़ थे जो मैंने डेस्कटॉप के यहाँ पर रखे थे, और डेस्कटॉप किसी ने जो कंप्यूटर टेबल है वो किसी ने क्लीन कर दिया है, सो वो मिल भी नहीं रहा है मुझे। देखते हैं यार, फाइंड आउट करते हैं। और अभी एक व्लॉग एडिट करने बैठने वाला हूँ मैं, और कुछ चीज़ें हैं जो देखने के बाद मैं मोटिवेट हो जाता हूँ व्लॉगिंग में कि यार यार ये लोग ऐसे कर सकते तो मैं इससे भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्यों नहीं ट्राई देते ना यार। तो यार यही सारी चीज़ें यार जो देख के यार है, किसी का व्लॉग मैं देख रहा हूँ वो देखने के बाद और मोटिवेशन मिल रही है कि यार हाँ इससे भी बहुत अच्छा तरीके से हम कर सकते हैं, सो क्यों ना करा जाए।